subscribe to my channel and click the notification bell for latest updates. What's up guys, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में मैं फिर से आ चुका हूँ एक बार माइनक्राफ्ट में। तो देखते हैं अभी माइनक्राफ्ट में क्या होगा। माइनक्राफ्ट में आज मैं आप लोगों को रॉन गेमिंग का ओल्ड हाउस दिखाने वाला हूँ, वो जो केव वाला हाउस था उसका वो वाला हाउस दिखाने वाला हूँ। और ये देख सकते हो मेरा कुछ ये सेटअप सा है जहाँ पे मैं इंट्रो कर रहा हूँ अपना। और ये मेरी नई स्किन है जो देख सकते हो आप। और कैसी लगी आपको ये मेरी नई स्किन वो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और जो मेरा अभी चैनल का नाम है, जो आप लोगों को चैनल का नाम दिख रहा होगा वो वही रहने वाला है। और ये मेरी चैनल के लिए लास्ट वीडियो है, पुरानी वाली भी वैसे लास्ट थी पर ये मेरी फिर से मैं एक बार बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट जो मेरी सेकंड लास्ट थी वीडियो उस पर मैंने बोला था 10 लाइक्स आनी चाहिए और उस पर आप लोगों ने 11 लाइक्स कर दी हैं। और जो मेरी पुरानी वाली रॉन गेमिंग की थी वीडियो उस पर मैंने बोला था 30 लाइक्स होंगी तो मैं आप लोगों को सीड बता दूंगा क्या है। तो 30 लाइक्स तो हुई नहीं, उस पर 18 लाइक्स हो गई हैं पर तब भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि उस पर अच्छे व्यूज़ भी आए हैं। तो मैं इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा इस वीडियो के बीच में क्या है रॉन गेमिंग का वर्ल्ड सीड। और मैं आप लोगों को वो दिखाने वाला हूँ केव हाउस उसका पुराने वाला। और ये देख सकते हो ये है मेरी स्किन जो नई वाली मैंने लगाई है। कमेंट में आप लोग बता सकते हो कैसी लगी है। और अगर आपके पास कोई अलग स्किन है मेरे लिए तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हो, मेरे को लिंक दे सकते हो उसका। तो गाइस दिखाता हूँ, ये पीछे का एक सेटअप भी है देखो। ले आर्मर पहन लेता हूँ और ये आर्मर भी है। ये सब टूल्स ये सब मैंने सर्वाइवल में ही आए हैं ये सब। ये देखो पीछे, ये देखो कैसा है, इंचेंटिंग टेबल सब कुछ लगा रखा है मैंने। तो गाइज आप लोगों को अभी वो भी दिखा देता हूँ मैं रॉन गेमिंग का हाउस, वहाँ पे चलते हैं फटाफट से। ये देखो आ चुके हैं हम अब। और ये है पीछे देख सकते हो उसका केव हाउस जो है पुराने वाला। और ये जब आपको मैं सीड दूंगा तो सीड में आप लोगों को ये सब टॉर्च वॉर्च और ये सब सीढ़ी स्टेयर्स मतलब जो लगे हुए हैं पीछे वो सब लगे हुए नहीं मिलेंगे क्योंकि सीड दे रहा हूँ बस मैं, वर्ल्ड डाउनलोड लिंक नहीं दे रहा हूँ। और ये सब मैंने टॉर्च वॉर्च ये सब मैंने लगाए हैं। देखो इसका ये फॉरेस्ट भी है यहाँ पे, वहाँ पे उस जो फॉरेस्ट दिखाया था मैंने अभी वहाँ पे ही आप कहीं स्पॉन होगे उस फॉरेस्ट में। और यहाँ पे ये जगह देख सकते हो, यहाँ पे टॉर्च लगाई हुई मैंने। और इसका रॉन गेमिंग का यहाँ पे चिकन फार्म भी था पर वो मैंने नहीं बनाया अभी यहाँ पे। और ये देख सकते हो रिवर भी है और केव्स भी हैं। देखो इसकी केव्स भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को अभी। ये देखो ये पूरा ऐसे है माउंटेन हाउस, केव हाउस इसका। ये देखो केव्स, केव्स आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं ज़्यादा अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, वो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखो ये भी हैं केव्स, बहुत सारी यहाँ पे हैं केव्स, कुछ बड़ी भी हैं कुछ छोटी बड़ी, लिंक्ड भी हैं सारी। ये देखो ये देखो ये इस केव के अंदर थोड़ा सा अंदर और दिखा देता हूँ। देखो आयरन और है, आप ये यहाँ से ले सकते हो अगर आप अपनी सर्वाइवल सीरीज चालू करोगे तो। वाटर भी है देखो यहाँ पे केव के अंदर। और देखो और अंदर मैं नहीं जाऊँगा, मैं आप लोगों को सीधा केव हाउस दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। तो चलो चलते हैं फिर।
देखो यहाँ से कुछ ऐसे हैंगे केव्स, रिवर भी है देखो साइड में, और ये देखो मैंने ग्लास का ये लगाया हुआ है, इसके नीचे टॉर्च रखी हुई है, ऐसे देखना रात को यहाँ से बहुत लाइट आएगी, रात को दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, अभी तो दिन हो रहा है, रात को दिखाऊंगा। चलो चलते हैं फिर देखने। देखो ये है हाउस, अंदर से दिखाता हूँ आप लोगों को, पूरा सिनेमैटिक व्यू जैसा। ये देखो यहाँ से चलते हैं, देखो चलते हैं अंदर फटाफट स्टेयर्स से। देखो तो ये देखो बेल भी लगाई हुई है मैंने चेन से, जो अभी नया अपडेट आया है उसमें चेन भी आई है। देखो यहाँ पे भी एक केव थी पर मैंने बंद कर दी उसको, देखो इतनी फास्ट चढ़ जाते हैं। और चेस्ट वेस्ट रखी है मैंने, क्राफ्टिंग टेबल, और इधर पानी रखा है नीचे, चेस्ट में तो कुछ है नहीं वैसे भी, ये देख सकते हो। और ये मैग्मा ब्लॉक्स ये सब मैंने लगाए हैं, देखो यहाँ से व्यू भी देख सकते हो आप लोग बाहर ऐसा है, वो रिवर भी है देखो उसकी उधर, राउंड गेमिंग की, क्राफ्टिंग टेबल, तो देखो ये मैग्मा ब्लॉक्स हैं पीछे, देखो कैसे इनका एनिमेशन देखो आप मैग्मा ब्लॉक्स का, देखो ध्यान से देखो कितना मस्त लग रहा है ना, ऐसा एनिमेशन है देखो। चलो आगे दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो ये किचन टाइप सा कुछ इधर बनाया है मैंने, ब्लास्ट फर्नेस रखा है, कोल्ड्रोन में लावा भी रखा है मैंने, और ये है क्राफ्टिंग टेबल, फर्नेस, कारपेट्स रखी है इधर कुछ मैंने, और ये एक ऐसे ही मैंने बना दिया था रूम। देखो अंदर से दिखाता हूँ, गोल्ड ब्लॉक रखे हैं, इसके ऊपर ब्लू कारपेट रखी है जो रॉन गेमिंग का कलर है ब्लू, और ये ऐसे ही मैंने फ्लावर्स रखे हैं कुछ, देखो ये। और आप जब ऐसे स्प्रिंट करके किसी भी कारपेट पे से जाते हो ना, तो उसके नीचे जो भी ब्लॉक होता है उसके पार्टिकल्स आते हैं, देखो ऐसे गोल्ड ब्लॉक है इसके नीचे, तो गोल्ड ब्लॉक के कैसे पार्टिकल्स आ रहे हैं। देखो कैसे पार्टिकल्स आ रहे हैं। चलो बहुत हो गया, अब आगे चलते हैं। ये रहा देखो, इधर कारपेट लगाया हुआ है मैंने डिजाइन सा कुछ, और ये फर्नेस, ये वॉल्स, नोट ब्लॉक है, ये देखो कैंप फायर, फायर प्लेस जैसा लगता है, देखो आप ये ऐसा डिजाइन बना सकते हो। इसके ऊपर प्रेशर प्लेट रखी है मैंने, ये देखो ये लैंटर्न से ऐसे टंगाए हुए हैं मैंने चेन से, और ये बेड रखा हुआ है मैंने, और स्लैब्स। तो गाइस जो इसका रोन गेमिंग का वर्ल्ड सीड है वो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में से जाके आप लोग देख सकते हैं और खेल सकते हैं रोन गेमिंग के सीड में। और आगे भी देख लो, एक शॉट और दिखा देता हूँ, रात भी हो चुकी है, और जो वो मैं जगह कह रहा था कि वो कांच मैंने क्यों लगाया है वहाँ पे, वो जगह दिखाता हूँ आप लोगों को अभी चल के, और रात में भी दिखा देता हूँ कैसी लगती है उसका केव हाउस, कैसा लगता है। ये देखो ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को भी मैंने थोड़ा बहुत लाइट अप किया है, ये देखो और ये देखो एक केव्स हैं, और इधर ये देखो कितनी लाइट कर रही है, देखो ये जगह ऐसा लगाया था मैंने। देखो आप भी ऐसी फ्लोरिंग बना सकते हो कहीं कहीं पे, मेरे को तो ऐसा है देखो अच्छा लगता है, कितनी ज़्यादा लाइट आ रही है इससे,
और कुछ मैंने थोड़ी बहुत ही टॉर्च रखी हैं, 7 टॉर्च रखी हैं बस मैंने, और उनके ऊपर कांच। और ये देख सकते हो आप रात में कैसा लग रहा है हाउस, केव हाउस रॉयल गेमिंग का। देखो रात भी हो चुकी है, माउंटेन के ऊपर स्नो भी है, और उस तरफ कहीं माउंटेन के पीछे उसने अपनी लाइव स्ट्रीम में दिखाया था एंड पोर्टल भी है, मतलब इसके थोड़ा सा ही पीछे जाके माउंटेन के पीछे एंड पोर्टल भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप सर्वाइवल सीरीज राउंड गेमिंग के सीड में चालू कर सकते हैं, और फिर एंड भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा जाकर ड्रैगन को भी मार सकते हैं। ये देख सकते हो मैंने ऐसा कुछ बनाया हुआ है ये जगह, तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। और फोटो भी आ जाएगी देखना, अभी सीड की फोटो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं जाने से पहले एक बार। बाय।